सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ का इतिहास और इसमें हम लोग देख रहे हैं एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था 15 क्वेश्चन, इस वीडियो में भी 15 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे आप सीजी व्यापम का एग्जाम दे या सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कुषाण कालीन स्वर्ण मुद्रा की प्राप्ति कहाँ से हुई? देखिए, कुषाण कालीन जो स्वर्ण मुद्रा की प्राप्ति हुई है वो तेलीकोट से हुई है। तेलीकोट जो कि रायगढ़ जिला के अंतर्गत आता है, यहाँ से स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती है। साथ ही कुषाण कालीन तांबे के सिक्के की बात करें तो वो बिलासपुर से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में किस काल की जानकारी मिलती है? तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति जिससे हमें गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर आंसर होगा। गुप्त काल के जानकारी का स्रोत क्या है? तो वो है प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन द्वारा कृत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के तहत दंडकारणाय के किस शासक को पराजित किया था? देखिए, दक्षिण विजय अभियान के तहत समुद्रगुप्त ने व्याघ्रराज को पराजित किया था, दंडकारणाय के व्याघ्रराज को। वहीं पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दक्षिण कोसल के किस शासक को पराजित किया था, तो महेंद्र, राजा महेंद्र को पराजित किया था, और दंडकारणाय पूछा जाए तो यहां पर व्याघ्रराज आएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, किसके शासन काल के दौरान कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ियों में मेघदूतम की रचना की थी? देखिए, मेघदूतम की रचना कालिदास ने की है, आप सभी को पता ही होगा, लेकिन इस समय क्या है, किसका शासन काल था? तो इस समय था प्रवर सेन का, ऑप्शन नंबर यहां पर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और प्रवर सेन किस वंश के शासक थे? तो वे सेन वंश के शासक थे, या फिर आप इसे वकाटक वंश के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, रिद्धिपुरा अभिलेख के अनुसार नल वंश शासक भवदत्त वर्मन ने आक्रमण करके किस सेनवंशी शासक को पराजित किया था? तो देखिए, भवदत्त वर्मन ने नरेन सेन को पराजित किया था, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। इसकी जानकारी रिद्धिपुरा अभिलेख से होता है कि नल वंश के शासक भवदत्त वर्मन ने आक्रमण करके सेनवंशी शासक नरेन सेन को पराजित किया था। आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स आ जाता है आपका, सेनवंश के किस शासक को खोए हुए भाग्य को बनाने वाला कहा जाता है? इंपॉर्टेंट लाइन है, खोए हुए भाग्य को बनाने वाला। तो यहां पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड, पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन जो है उन्होंने अर्थपति भट्टारक को पराजित किया था। केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक को पराजित कर अपने पिता के पराजय का बदला लिया था, किसने? तो पृथ्वी सेन ने। और क्या कहा गया इन्हें? खोए हुए भाग्य को बनाने वाला। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन आ जाता है आपका, किस वंश के शासक ने राज्य योगी या फिर राजयोगी की उपाधि धारण की थी? तो यहां पर आंसर हो जाता है राजश्री तुल्यकुल वंश। तो राजश्री तुल्यकुल वंश के शासकों ने राजयोगी या फिर राजयोगी की उपाधि धारण की थी। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि ये छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश थे, राजश्री तुल्यकुल वंश छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर एट काफी इंपॉर्टेंट है, सरपुरी वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? राजकीय चिन्ह इनका गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी सरपुरी वंश का राजकीय चिन्ह था। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सरपुरी वंश के किस शासक ने सिरपुर को अपना राजधानी बनाकर शासन किया? देखिए सिरपुर को राजधानी प्रवर राज ने बनाया था, प्रवर राज ने सिरपुर को राजधानी बना के शासन किया, ये सरपुरी वंश के शासक थे और सरप राज सरपुरी वंश के संस्थापक थे, इन्होंने सरपुर को अपना राजधानी बनाया, प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर को राजधानी बनाया और प्रवर राज ने सिरपुर को राजधानी बनाया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 है, सरप वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा प्रचलित की? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरप वंश के किस शासक ने स्वर्ण मुद्रा प्रचलित की, यहां पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण मुद्रा प्रचलित की थी और प्रसन्नपुर मतलब मल्हार को बसाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ताला गांव में देवरानी जेठानी मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? इसको भी आप समझ सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सरपुरी वंश के शासकों ने बनवाया था ताला गांव में देवरानी जेठानी मंदिर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, पांडु वंश के किस शासक को उदयन के नाम से भी जाना जाता था? देखिए उदयन के नाम से प्रसिद्ध है पांडु वंश के शासक वत्सराज, वत्सराज को उदयन कहा जाता था और साथ ही इन्हें आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पांडु वंश के किस शासक को आदि पुरुष कहा जाता था, तो वो है उदयन या फिर इसे आप वत्सराज के नाम से भी जान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, पांडु वंश के किस शासक ने महाराज की उपाधि धारण की थी? तो देखिए पांडु वंश के नागबल ने महाराज की उपाधि धारण की थी, ध्यान रखिएगा ये मैकल क्षेत्र के पांडु वंश की बात हो रही है। आगे देखते हैं हम लोग, अब देखिए दक्षिण कोसल के पांडु वंश के बारे में, पांडु वंश में परम भागवत या परम महेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाशिव गुप्त ने, महाशिव गुप्त ने परम महेश्वर या फिर परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, पांडु वंश में किसके शासन काल को उत्कर्ष काल कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उत्कर्ष काल किसके शासन काल को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाशिव तिवर देव के शासन काल को। तो देखिए यहां पर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया गया, 15 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट, इसी प्रकार हम कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित। इन क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कीजिए, आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे, चाहे वो CGPSC का कोई भी एग्जाम हो या CGVAPAM का कोई भी एग्जाम। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।